हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल engineer.87। आज के पर्टिकुलर स्काडा के वीडियो में हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले इन स्काडा उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने अगर अपनी वॉचिस में देखा होगा या तो फिर कैलकुलेटर आते हैं उसमें भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले आती है, वो कैसे हम स्काडा के अंदर बनाते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, लास्ट तक देखना वीडियो को। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले ऐसी दिखती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो कैसे हम स्काडा के अंदर बनाते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो ये देखिए, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे 7 सेगमेंट आते हैं। ये ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये छोटे छोटे 7 सेगमेंट आते हैं और ये पूरा मिलके एक डिस्प्ले की तरह वर्क करता है, तो इसलिए इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहते हैं। तो ये जो 7 सेगमेंट है और इसके अंदर हम 0 से लेके 9 तक के जो है नंबर्स हम उसके ऊपर बना सकते हैं। तो ये देखिए, 0 अगर बनाना है तो यहाँ पे आप बीच वाली को आप ऑफ रखेंगे तो ये जो सारी है वो मिलके 0 बनेगा। फिर आपको 1 बनाना है तो ये दोनों को ऑन करा के आप 1 बना सकते हैं। 2 बनाना है तो ऐसे ये इतनी जो एलईडी है उसको ऑन रख के आप 2 बना सकते हैं। वैसे ही 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेके 9 तक आप ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये अब हम स्काडा के अंदर कैसे करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको स्काडा के अंदर मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्काडा के सॉफ्टवेयर में आ गया हूँ। ये सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है वो आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है स्काडा इन हिंदी, वो आप वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर है वो कैसे डाउनलोड करना है। और अब अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइन में देखें, मैं पूरा स्काडा का कोर्स कराने वाला हूँ। ये मेरा 13th या फिर 14th वीडियो है। तो आपने अगर पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप एक बार जरूर देखना, लाइन में देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा स्काडा। तो चलिए, आज का है तो आज हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाने वाले हैं। तो मैं न्यू विंडो यहाँ से ले लेता हूँ, आप कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले लिख रहा हूँ, तो मैंने 7 सेगमेंट डिस्प्ले लिख दिया। फिर यहाँ से आप विंडो का कलर चेंज कर सकते हैं आपको चेंज करना हो तो, और ओके के ऊपर करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको साइड बढ़ानी हो तो यहाँ कॉर्नर में से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अब मुझे 7 सेगमेंट लेना है, तो लास्ट वीडियो में मैंने पुश बटन लिया था और उसके बारे में मैंने आपको सिखाया था, तो वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार देख लेना। तो यहाँ हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 ये बटन पुश बटन की तरह वर्क हो ऐसा हमें करना है। तो यहाँ आपको लास्ट में राइट साइड दिख रहा होगा बटन, वहाँ पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ छोटा सा बटन जनरेट करूँगा, इतना ये टेक्स्ट आया। फिर यहाँ मैं राइट क्लिक करके इसको 1 के ऊपर, यहाँ टेक्स्ट की जगह मुझे 1 लिखना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा। फिर यहाँ आपको सब्स्टिट्यूट दिख रहा है, वहाँ पे जाना है। फिर वहाँ से आपको सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग्स में जाना है, तो मैंने वहाँ पे क्लिक किया। तो अब यहाँ टेक्स्ट की जगह मुझे 1 लिखना है तो मैं 1 लिख रहा हूँ और यहाँ ओके के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ 1 आ गया। अब ये जो इसको टैग देना होगा, 1 से लेके हम 9 तक जो नंबर लेंगे उसको टैग देना होगा, तो उसके लिए आपको डबल क्लिक करना है। फिर यहाँ ये पुश बटन है तो यहाँ इसके ऊपर फोकस करना है, टच पुश बटन्स के ऊपर। वहाँ पे जाके आपको डिस्क्रीट वैल्यू लेना है, क्यों, क्योंकि या तो हमारा बटन है वो ऑन होगा और या तो ऑफ होगा, ठीक है, दो ही कंडीशन है तो उसके लिए डिस्क्रीट यूज होता है। तो टैग नेम में K1 आपको लेना है, ये key1 को मैं टैग नेम K1 दे रहा हूँ। फिर ओके के ऊपर क्लिक करना है, सो डिफाइन K1 आएगा। फिर
आपको टाइप मेमोरी डिस्क्रीट रखना है सारे बटन में, और यहाँ मैं दूसरा बटन लूंगा तो K2 टैग दूंगा, ठीक है, और इसके बाद सेव एंड क्लोज, फिर ओके। अब ऐसे ही हमें 1 से लेके 9 तक लेना है और 0 भी लेना है, तो इसका मैं डुप्लीकेट लेता हूँ कंट्रोल डी करके, या फिर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। तो इसको मैं 2 नाम दे दूंगा, तो उसके लिए राइट क्लिक करके सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग, और यहाँ 2 नाम देना है, तो 2 दे दिया, तो 2 आ गया। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करके ऐसा बॉक्स खुलेगा, डिस्क्रीट वैल्यू देना है, फिर यहाँ टैग नेम के की 1 का K1 दिया था, अब 2 नंबर है तो K2 दे रहा हूँ, K2 मैंने दे दिया, फिर ओके के ऊपर क्लिक करना है, डिफाइन ओके, यहाँ पे टाइप सारे बटन में मेमोरी डिस्क्रीट रखना है, सेव एंड क्लोज। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपको ऐसे 1 से लेके 9 तक बटन लेना है और 0 तक लेना है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं ये सब करके फिर से आता हूँ आपके सामने। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 में जैसा किया वैसे ही 2 में देना है, सिर्फ टैग नेम K2 देना है। फिर 3 में बटन लूंगा, उसमें टाइप मेमोरी डिस्क्रीट और टैग नेम K3, 4 में K4 देना है। वैसे करते 0 से लेके हमें 9 तक लिखना है, तो चलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 0 से लेके 9 तक के बटन क्रिएट कर दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि डिस्प्ले लेना है, तो इसके लिए आपको यहाँ लाइन दिख रहा होगा वो लेना है, फिर यहाँ क्रिएट करना होगा, आपको 7 लाइन लगानी है, तो ये 2 हो गए। अब इसका मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ, तो ये तो बीच में आ जाएगी, इसका मैं डुप्लीकेट लेता हूँ, कंट्रोल डी करके आप ले सकते हैं, तो ये आ जाएगी, और इसकी 2 आएगी, तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे, फिर ये जो है वो आपकी यहाँ आ जाएगी, और दूसरी अब ये लेंगे, उसका डुप्लीकेट यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया। अब ये सारी है, उसकी साइज हम बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करके फिर आपको यहाँ से टेक्स्ट कलर है, फिर ट्रांसफर लाइन है, ये जो लाइन है उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए आपको यहाँ लाइन में जाना होगा, फिर यहाँ से आप जो चाहे वो कर सकते हैं, तो मैं ये ले लेता हूँ, तो ये हो गया। सबको मैं ठीक से सेट कर देता हूँ, तो ये हमारी हो गई 7 सेगमेंट डिस्प्ले। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब हमें क्या करना है कि जब भी मैं 1 प्रेस करूँ तब मेरा ये 1 हो दिखे, 1 दिखे, और 2 प्रेस करूँ तब मेरा 2 दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमें इसके रिलेटेड ये सारी है जो सेगमेंट छोटे छोटे, उसको हमें टैग देना होगा, ठीक है। तो 1 कैसे होता है पहले वो मैं ड्रॉ करता हूँ, तो 1 सिंपली ऐसे होता है। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों है उसको टैग दूंगा, बाकी सारी है उसको वैसे ही रहने दूंगा। तो इसके लिए ये जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा, तो मैंने डबल क्लिक किया, फिर यहाँ लाइन कलर आता है और उसमें डिस्क्रीट आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ जब भी मेरा K1 है वो K1 बटन, यानी कि ये जो की 1 मैं प्रेस करूँ तब मेरा ये जो है वो लाइट है वो ऑन होनी चाहिए, तो ऑन हम रेड रख देते हैं, और ऑफ हो तब ब्लैक रखते हैं।
तो K1 जब प्रेस होगा तब मेरा ये जो लाइट है सेगमेंट वो ऑन होनी चाहिए। तो K1 मैंने दे दिया, फिर ओके के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर ओके, और ये भी ऑन होनी चाहिए। तो लिंक कलर में जाके डिस्क्रीट K1 ओके और ओके, तो ये दोनों को टैग दे दिया हमने। तो अब देखते हैं रन टाइम में जाके कि हो रहा है कि नहीं एमजीओन में। तो अब देखिए ये मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 आ रहा है। 2 करूँगा तो कुछ नहीं होगा, 1 से 1 आ रहा है। तो ऐसे ही हम 2 प्रेस करेंगे तब ये 2 हो, ऐसा करते हैं अब। तो फिर से डेवलपमेंट में जाते हैं। अब 2 कैसे होता है इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ये पॉली लाइन है, उससे आप 2 क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 हमारा ऐसे होता है। तो उसके लिए हमें ये जो सारे सेगमेंट है उसको ऑन करना पड़ेगा। तो पहले ये आएगा, तो उसके ऊपर डबल क्लिक करके फिर लिंक कलर में यहाँ क्या करेंगे हम K2, क्योंकि 2 नंबर मुझे प्रेस होगा, 2 नंबर जब मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे तब मेरा क्या है वो ऑन होना चाहिए ये सेगमेंट। तो K2 डाला, फिर ओके, फिर ओके के ऊपर। अब ये देखिए ये जो सेगमेंट है मैंने जो सिलेक्ट किया अभी वो 1 में भी आएगा और 2 में भी आएगा। तो क्या होगा अब यहाँ पे यूज होगा हमारा गेट लॉजिक। अगर आपने गेट लॉजिक वीडियो नहीं देखे है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार देख लेना ताकि आपको ये आसानी रहे। तो ये कैसी कंडीशन हुई कि जब मैं 1 भी प्रेस करूँ तब भी ये मेरा सेगमेंट ऑन होना चाहिए और 2 प्रेस करूँ तब भी मेरा ये सेगमेंट ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन हुई मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो और गेट मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ पर्टिकुलरली। ये सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, थियरी पार्ट पहले कवर किया था तो वो आप देख लेना एक बार। तो ये देखिए और गेट में क्या होता है कि जब मेरा दोनों ए एंड बी, यानी कि हम हमारा ए और बी अभी क्या है कि मेरा बटन 1 नंबर और बटन नंबर 2 वो दोनों ऑन हो होने जब हो, मैं प्रेस करूँ तब मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए, यानी कि सेगमेंट मेरा ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये और गेट का कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई होगा। और दोनों में से कोई एक भी मैं प्रेस नहीं करूँ तो मेरा ऑफ होना चाहिए, और दोनों में से कोई एक करूँ या तो ए यानी कि बटन नंबर 1 या फिर बटन नंबर 2 दोनों में से कोई एक भी अगर ऑन करूँ फिर भी मेरा आउटपुट यानी कि सेगमेंट में LED है वो मेरी ऑन होनी चाहिए। तो ये और गेट का कंसेप्ट है वो उसमें अप्लाई होगा। और ये सारे वीडियो स्काडा का बेसिक और ये सब नहीं देखा है तो आप एक बार देख लेना। सारे गेट है, पुश बटन कैसे वर्क करता है वो सब मैंने पढ़ा के रखा है तो वो आप देख लेना। अभी फिलहाल जाते हैं हम यहाँ पे देखिए। तो अब क्या होगा ये जो आएगा वो 1 में भी आएगा और 2 में भी। तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके आपको डिस्क्रीट के ऊपर क्लिक करना है, फिर K1 तो है ही और K2। ये एक्सप्रेशन कैसे आया तो आपको और वाला वीडियो देखना होगा, तो आप और गेट इन स्काडा वो वीडियो देख लेना तो आपको ये मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो K1 और K2 दोनों आ जाएंगे, फिर ओके के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर ओके, फिर ये आएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके लिंक कलर में सिर्फ K2 आएगा क्योंकि ये सिर्फ K2 में ही है, ओके ओके। फिर ये आएगा K2 लाइन कलर K2 ओके ओके। फिर ये आएगा K2 में तो लाइन कलर K2 ही है, ओके ओके। तो अब हम जाते हैं रन टाइम में और देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 को प्रेस करके रखूंगा तो मेरा 2 बन जाएगा। वैसे ही हम 3, 4 और ये सब करते हैं। तो फिर से डेवलपमेंट में अब 3 कैसे होता है तो पहले इसको हटा देता हूँ।
थ्री अगर मैं बात करूं तो ऐसे हमारा थ्री होगा। ओके तो ऐसे थ्री होगा, तो ये ऑन करना पड़ेगा, ये 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 और ये। तो यहाँ पे पहले ए वन ये किस में आता था, टू में आता था और थ्री में भी आएगा, तो और के थ्री डालूंगा फिर ओके के ऊपर, फिर ओके ये तीनों में आएगा तो और के थ्री ये तीनों आ जाएंगे, फिर ओके यहाँ पे दो आएंगे टू और थ्री, के टू और के थ्री ओके। तो ये हो गया है ये अब ये दोनों आएंगे के वन और के थ्री ओके, फिर ये के टू और के थ्री। तो ये हमारा थ्री का हो गया। तो अब देखते हैं, तो आप देख सकते हैं थ्री के ऊपर प्रेस करके रखने से थ्री हो जाएगा। वैसे ही हम फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और जीरो का कर लेते हैं पहले, तो फिर से डेवलपमेंट में जाता हूँ। तो थ्री का हमारा खत्म। अब हम फोर का अगर बात करें तो आपको यहाँ अब देखना फोर मतलब ऐसे ऐसे फिर ऐसे, तो इतनी सारी आएगी। तो यहाँ हमें के फोर देना होगा, तो के फोर दे देते हैं और के फोर और के फोर और के फोर और लास्ट में ये आएगी। और के फोर ओके तो ये सब आएगा इसमें। सो फ्रेंड्स ये हमारा फोर का खत्म हो गया। अब फाइव में क्या आएगा, तो फाइव ऐसे बनेगा, देखिए ध्यान से, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैं यहाँ दिखाता हूँ, तो यहाँ देखिए फाइव में क्या आएगी, ऐसे करके आएगी, फिर सिक्स में ऐसे आएगी, तो वो सारी हमें ऑन करानी है, सेवन में ऐसे, एट में ऐसे और नाइन में ऐसे। तो मैं फाइव का कर देता हूँ। तो इसके लिए पहले ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं पॉज कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने फाइव का कर दिया है। अब सिक्स का करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिक्स करने के लिए ये सारी जो है आपको दिख रहा होगा वो हमें ऑन करवानी होगी। तो ये सब को मैं के सिक्स टैग दे दूंगा और के साथ, तो वो मैं कर देता हूँ। फिर मैं सेवन का करने के लिए ये करूँगा, एट के लिए तो बीच सारी आ जाएगी, एट के लिए सारी की सारी ऑन होगी और नाइन के लिए ये और जीरो के लिए ये बीच वाली सिर्फ ऑफ रहेगी। तो वो मैं सब करके आपको फिर से मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ मैंने जीरो से लेके नाइन तक का जो है वो सेटअप कर लिया है, तो आप कर लेना ठीक है। तो अब हम रन टाइम में जाके देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं, और उसके पहले हम इसको एलसीडी की तरह हम लूप दे देते हैं। तो यहाँ से मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, फिर तो यहाँ देखिए जो सारे सेगमेंट थे वो पीछे चले गए। तो आगे लाने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करके फिर यहाँ आपको बैक एंड फ्रंट दिख रहा होगा, तो सेंड टू बैक वहाँ पे क्लिक करना है।
तो ये देखिए अब हमारे जो सेगमेंट थे वो एलसीडी है वो ऊपर आ गए और रेक्टेंगल पीछे चला गया। तो इसका कलर हम ब्लैक करते हैं ताकि वो एलसीडी की तरह दिखे। तो फिल कलर में जाके आप यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं। तो अब देखिए आपको दिख रहा होगा ये पीछे हमारा ब्लैक हो गया। अब इसको बॉर्डर देते हैं। तो उसके लिए एक और मैं चौरस लेता हूँ छोटा सा, इसको बैक जाने देते हैं। तो सेंड टू बैक, फिर यहाँ पे तो ये हमारी बॉर्डर हो गई। तो अब हम देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं है। तो रन टाइम में जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं आपको वन दिखेगा, वन प्रेस करने पे, टू प्रेस किया तो टू दिखा, फिर थ्री और फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये 0। तो ये हमारा एकदम कंप्लीट है। और यहाँ आप 0 से लेके 9 तक किया वैसा आप ए बी सी डी भी यहाँ पे प्रेजेंट करवा सकते हैं। तो वो आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। टैग देने में आपको मतलब आसानी रहे, फास्ट आप कर सके सारी प्रोसेस। तो आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।